वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह के 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इन द कंट्री ऑफ इंडिया यानी कि 13th डे के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। व्हाट एन अचीवमेंट, फास्टेस्ट 200 करोड़ इन 2019। यस फ्रेंड्स, लोगों को 200 करोड़ क्लब में एंट्री करने के लिए लगभग 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या फिर 25-50 दिन लग जाते हैं अपने जो लाइफ टाइम कलेक्शन है उसको 200 करोड़ पहुंचाने के लिए। यहां पर कबीर सिंह ने सिर्फ 2019 में ही फास्टेस्ट टू रीच यू नो द 200 करोड़ क्लब में अपनी जो एंट्री है उसको जमा दी है। ये फिल्म ने सिर्फ मात्र 12.5 दिनों में 200 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी। एंड गाइज, इसी के साथ का जो ग्रैंड टोटल है अब आराम से 250 करोड़ की दिशा में जा रहा है। ये जो वीकेंड रहेगा यानी कि अभी जो आने वाला वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये हमें असली अंदेशा दे देगा कि आखिर ये फिल्म 250 करोड़ के कितना ऊपर जाएगी। जिन लोगों के मन में सवाल था कि क्या ये भारत का, क्या ये किक का, क्या ये चेन्नई एक्सप्रेस का, क्या ये उरी का, क्या ये सिम्बा का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी, वेल फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में इसी वीकेंड में इन सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़कर ये टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा में चली जाएगी। एंड गाइज, अब इसका जो टारगेट रहेगा ऑब्वियसली धूम 3 रहेगा। इसका कलेक्शन ऑलमोस्ट 275-276 करोड़ रुपीज है। अब वहां तक ये पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती, ये इस हफ्ते के जो वीकेंड ट्रेंडिंग है ये बताएगी। और अगर ये फिल्म 300 करोड़ क्लब के फेरिस में एंट्री ले लेती है, देन गाइज इट इज गोना बी अनइमेजिनेबल, आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टफ। चले गाइज, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बात करेगा इसके कलेक्शन की, तो गाइज 13वां दिन यानी कि इसके सेकेंड वेडनेसडे के फिगर्स थे 7.53 करोड़ रुपीज। यस फ्रेंड्स, ड्रॉप ज्यादा था जितना एक्सपेक्ट किया था, उससे ज्यादा ड्रॉप था। लग रहा था ये फिल्म 8 करोड़ के नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन ये फिल्म गिरी और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा गिर गई 8 करोड़ के नीचे। लेकिन गाइज, गिविंग द सर्कमस्टांसिस के फ्राइडे को इसके जो कलेक्शंस थे गाइज वो सिर्फ 12.21 करोड़ थे। उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो वेडनेसडे का 7.53 करोड़ इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इसी के साथ होल्ड योर ब्रेथ्स मेरा भाई, द ग्रैंड टोटल ऑफ कबीर सिंह आफ्टर 13 डेज इज 206.48 करोड़ रुपीज। मैंने कल रात को बोला था कि आज ये फिल्म 206 से 207 करोड़ टच कर देगी, एंड गाइज वही हुआ। और आज ये फिल्म 7 करोड़ तक तो गारंटी कमाएगी, यानी कि ये फिल्म अपने 14 दिनों में लगभग 215 करोड़ की कमाई कर लेगी गाइज। और जो आने वाला वीकेंड है ये वापस से डबल फिगर्स के ऊपर की छलांग यानी कि द 15 करोड़ प्लस कलेक्शंस करने के लिए भागेगा गाइज। एंड अगर ये यू नो ऑलमोस्ट फ्राइडे को लगभग 6.5 या 6, सैटरडे को 10 या 11 और संडे को 15 अगर कर लेता है बाप, तो सीरियसली बोल रहा हूँ ये फिल्म की सीरियस ट्रेंडिंग है टच 300 करोड़। लेकिन वो बात की बात है, क्योंकि बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कबीर सिंह ने सिर्फ और सिर्फ 13 दिन लिए हैं 200 करोड़ क्लब टच करने के लिए। भारत टुक 14 डेज, उरी टुक 28 डेज टू टच द 200 करोड़ क्लब। ये सिर्फ मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, और 2019 की ये तीसरी फिल्म बन जाती है जिसने 200 करोड़ क्लब ज्वाइन कर लिया है। द फास्टेस्ट फिल्म टू रीच 200 करोड़ क्लब इन 2019, जस्ट 13 डेज टू वेरी प्रैक्टिकल 12.5 डेज इज शाहिद कपूर कबीर सिंह। सो गाइज, कबीर सिंह डे 13 7.53 करोड़, ग्रैंड टोटल 206.48 करोड़ रुपीज। एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सिमियामर अंसारी साइनिंग ऑफ। यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज, स्टे कूल मैन।